नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक डोगरा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। मामला जिला अनूपपुर कोतमा का है। पीड़िता माया देवी माधवानी पति शंकर लाल माधवानी उम्र 58 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 6 थाना कोतमा जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश में निवास करती है। पीड़िता के स्वर्गीय ससुर चंदुमल माधवानी सिंधी के द्वारा क्रय स्वामित्व पट्टे दखल व कब्जे की पुस्तैनी भूमि वार्ड क्रमांक 6 कोतमा में स्थित है। पीड़िता के ससुर द्वारा अपने जीते जी अपनी अगल बगल की भूमि देवेंद्र कुमार जैन एवं सज्जन कुमार जैन व गांधी जैन को बेच दी थी, लेकिन उस समय पीड़िता के पति शंकर लाल माधवानी का मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण कहीं कमाने के नाम से चले गए थे। पीड़िता अपने बच्चों सहित अपने पति की खोजबीन करने में इधर उधर भटकती रही। इस बीच पीड़िता के ससुर ने सुंदरबाई सोनी नामक वृद्ध महिला को किराए पर रहने के लिए अपना घर दिया था, लेकिन जब पीड़िता अपने ससुराल के घर में रहने के वापस आई तो सुंदरबाई सोनी बोली, मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे भी रहने दो। अकेली वृद्ध महिला पर दया करके पीड़िता ने उसे रहने दिया, लेकिन पीड़िता वृद्ध महिला की जवाबदारी नहीं लेते हुए अपने बच्चों सहित कई साल किराए के मकान में रहने को मजबूर रही। लेकिन पीड़िता को वृद्ध महिला के ऊपर शक हुआ, तक पीड़िता द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाकर शहडोल में अपने मकान का कब्जा पाने के लिए केस लड़ी। केस जीतने के बाद भी पीड़िता को घर का कब्जा नहीं दिलाया गया। जब वृद्ध महिला की मृत्यु हो गई, पीड़िता अपने मकान में रहने के लिए जाने का प्रयास करी, तब कथित बेटा संतोष सोनी अपनी माँ के साथ रहने लगा और अपने को चंदुमल सिंधी का फर्जी मुंह बोला बेटा बोलता था, जो कि बचपन से ही मंदबुद्धि था, मेरे घर में रहने लगा था। संतोष सोनी की बहन और जीजा, जिनका मूल निवास स्थान मडियारा में है, अपनी पत्नी कस्तूरी बाई के साथ आकर घर में कब्जा कर रहकर सब्जी का धंधा करने लगा। लेकिन कस्तूरी बाई जो आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यकर्ता या सहायिका के पद पर कार्यरत रहने के कारण मड़िया रस में रहकर शासकीय नौकरी करती है, कस्तूरी भाई का पति मड़िया रस में रहकर सब्जी बेचने का कार्य करने लगा। संतोष सोनी को मंदबुद्धि का होने के कारण मड़िया रस में ही अपने पास रखी थी। उसका बेटा भी अपने माता पिता के साथ मड़िया रस में रहता है। उनके साथ घटना घटी है वो क्या थी और उसमें सच्चाई क्या है, आप और किस कारण से घटना घटी और ये सही मामले में ये है किस चीज का विवाद, वो पूरा बता। 21 तारीख को हम लोगों ने एक्चुअली हमारे पुस्तैनी जमीन थी, हाँ। हमारे बाबा के नाम से चंडुमल सिंधी के नाम से, और हमारी दादी का नाम था देवी बाई, तो हमारी पुरानी पुस्तैनी जमीन थी जिसमें कि हम लोगों ने कई बार केस वेस किया और हम लोगों ने केस भी जीता था। और एक सुंदर बाई सोनी करके लेडीज रहती थी, उस समय तो हम लोग जिंदा नहीं थे, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, बट ये है कि हमको पता है कि मतलब हमारे केस के हिसाब से कागज के हिसाब से जन्म हमारा नहीं हुआ था, मम्मी हमारी थी, हम नहीं थे, बाकी हम उस हिसाब से पट्टे के हिसाब से और पूरा खसरे के हिसाब से देखे तो हमारी जमीन थी। उसके बाद है थी और है, दोनों है, हाँ। है ना। और उसके बाद हम लोगों ने देखा तो भाई सामने वाला जो था सुंदर भाई सोनी, उसको हमारे दादा ने सबसे अच्छा काम ये किया था कि उन्हें किराए में दिया था जमीन, वो भी कोर्ट के द्वारा, तो उन्होंने के कोर्ट में किराया देती थी वो, कभी 23 रुपए, कभी 24 रुपए, कभी 25 रुपए में। फिर उसके बाद एग्रीमेंट हुआ था जो भी कागज में किराया देने का 25 रुपए महीने का था। इसके बाद वो कुछ महीनों तक किराया नहीं दी तो 900 रुपए कुछ बकाया था, जिसमें कि ऊपर से आर्डर आया था कि आप 900 रुपए दे नहीं तो 2 महीने के अंदर मकान खाली करें। तो इसके बाद हो सकता है जो भी हुआ नहीं दी या फिर कुछ भी, फिर इसके बाद फिर एक बार केस हुआ तो 1076 रुपए हो गया था। उसके बाद उन्होंने किराया देना ही बंद कर दिया। इसके बाद सडोल से हम लोगों ने केस जीता, इसके बाद हमारे हक में फैसला था, बट उस समय हम लोग तो गरीब थे, हम लोग छोटे और हम लोग हाँ कॉपी पूरी रखे हुए अपन कोर्ट से पूरा केस जीते की कॉपी है, खसरा है, पट्टा है, हर चीज अपने पास, नक्शा वगैरह हर चीज है। और हमारी 4 जमीन कंटिन्यू थी तो 3 बिक गई, 1 बची थी जिसका हम लोगों ने विरोध किया, ठीक है ना। उस बीच में ये है कि हमको पता चला, फिर इसके बाद कुछ दिनों से हमारे घर पे ताला बंद था, तो हम लोगों ने अपनी जमीन पे हमारा हक। अच्छा, कुछ दिनों से बंद था कि बहुत दिनों से बंद था, मतलब यही 6-7-8 महीने हो चुके हैं। अच्छा,
कोई नहीं रहता था और अभी हाँ, क्योंकि हर चीज को एकदम हाँ, समझना ज्यादा जरूरी है। 7 महीने 8 महीने करीब ताला बंद था उसपे। तो फिर हम लोगों ने कोशिश किया भाई, अपन लोगों ने पहले खसरा वसरा सब कुछ अभी का तुरंत का तत्काल का निकलवाया कि शायद बदल ना गया हो, अगर हमारा नहीं होता तो हम क्यों घुसेंगे करके, है ना। तो अपन ने अभी अभी करीब 15 दिन पहले का खसरा वसरा निकलवाया हर चीज, तो आज भी हाँ पुराना खसरा जमीन का है ना, नक्शा वगैरह, तो आज भी हमारे जमीन का है। तो फिर हम लोगों ने कोशिश किया, फिर हम लोगों ने डायरेक्ट घर का ताला तोड़ा। आज भी जिस नंबर के कुछ लोगों के द्वारा आपके ऊपर एक बेसहारा बेबस महिला देख के जो अत्याचार किया गया है, सुनने में आया आपके साथ मारपीट की गई है, तो वो सही घटना है क्या, और क्या पूरी वारदात है आपके, मतलब जो जो सही घटना है और आपके साथ क्या किया गया, किसके द्वारा किया गया, आप पूरा विस्तार पूर्वक बताइए ताकि हम आपको मतलब उसको समझ के समझ सकें। मेरे पर मैं क्या बोलते हैं, वार्ड नंबर 6 में रहती हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम माया माधवी है। 6 नंबर वार्ड में हमारा घर है, इसको अवैध लोग कब्जा किए रहे हैं। नहीं तो आपके किसका ससुर का नाम क्या है? मेरे ससुर का नाम चंदूभाई माधवानी है, मेरे पति का नाम, मतलब आपका ससुराल का घर है जी जी, और मेरे मेरे पति का नाम शंकरलाल माधवानी है जी, और मैं माया देवी मालवानी हूँ जी। तो मेरे ससुर की जायदाद थी तो मैं उसमें कई दफ़ा केस करी, मेरा कुछ नहीं हुआ। मैं आता है महिला देख के लोग पैसा वैसा खिला के मेरा वो कर दिए, और मैं जब उस घर में देखी कि बहुत दिन से, और पिछले साल भी मैं केस करी, मेरा कुछ नहीं हुआ। तो आखिर मेरे को तंग आके मेरे को मालूम पड़ा कि मेरी जगह का अवैध हो रहा है, तो मैं उस जगह का ताला तोड़ी, मैं उस घर में घुसी ताला तोड़ के। तो उसके बाद में जो हमारे पार्षद है वो मनोज सोनी, वो क्या बोलते मेरे को देखा घर के अंदर घुसे, तो मीडिया रात जाके संतोष सोनी लोग को अपनी गाड़ी से जाके ला के और घर में घुसे दिए जबरदस्ती, और मारपीट करना चालू कर दिया। तो खाली संतोष सोनी को लेके आया कि और किसी को भी लेके आया? संतोष सोनी, किस को? संतोष सोनी आया और कांता सोनी आया, और वो उसकी बेटी जो बोलती कि मैं उसकी बेटी हूँ। तो मतलब उसकी बेटी कथित बेटी के खुद कथित वो कस्तूरी सोनी, और उसका पति केतरी सोनी, ये सब घर में आके घुस गए। मतलब जो लोग घुसे उसको आप ठीक से उन लोगों को मतलब नाम नहीं, भी नहीं जानती हैं। उसके बाद में जब मारपीट हुई वो कई टीआई और पुलिस वालों को बुलाया। अच्छा तो आपका ये बताइए, आपका जो आप घर वार्ड नंबर 6 में है, तो वो आपका ससुराल घर है? हाँ, मेरे ससुराल का घर, मेरे ससुर का ससुराल घर है। तो ससुराल घर में आपके सास ससुर मान लीजिए कब खत्म हुए, कब मतलब आप? मेरे ससुर 1986 में खत्म हुए, और सास मेरी 2004 में खत्म हुई। हाँ, उसके बाद उस बीच आप कहाँ थे और क्या कर रहे थे? मैं परेशान थी, मेरे पति घर छोड़ के चले गए कमाने के चक्कर में, तो वापस नहीं आए आज तक। मैं 3 बच्चों को परवरिश सिलाई करके करी हूँ, रेडीमेड सेल करके। तो आपने अपने पति का पता लगाया था? बहुत पता लगाई, कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ लोग बताए तहाँ तहाँ।